गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं आप लोगों के साथ एक मेकअप रिमूवर का रिव्यू करने वाली हूँ विच इज़ फ्रॉम लैक्मे। एज यू कैन सी मैंने कितना सारा अभी मेकअप लगाया हुआ है एंड बेसिकली दिस इज़ द लुक आई हैव क्रिएटेड फॉर लास्ट माई नवरात्रि लुक फॉर आज मैं जिसको ट्राई करने वाली हूँ दिस इज़ द प्रोडक्ट। दिस इज़ फ्रॉम लैक्मे एब्सोल्यूट आर्गन ऑयल रेडियंस रिंस ऑफ क्लेंजिंग ऑयल यू कैन सी। एंड रिसेंटली मैंने इसको नायका की हॉट पिंक सेल में ही परचेज किया था। तो बेसिकली ये एक ऑयल मेकअप रिमूवर है विच इज़ आई थिंक सो गुड फॉर विंटर सीजन। बिकॉज एक तो जो ऑयल मेकअप रिमूवर होते हैं ना, ऑयल बेस्ड मेकअप रिमूवर्स, वो आपके पोर्स में से अच्छे से मेल्ट कर देते हैं, अच्छे से आपका जो मेकअप है वो रिमूव कर देते हैं बेसिकली। एंड यू कैन सी दिस इज़ द इनर पैकेजिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। दिस इज़ काइंड ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड यू कैन सी अभी बेसिकली बहुत ज़्यादा मेकअप लगा हुआ है। सो आई थिंक इट्स द बेस्ट टाइम टू ट्राई दिस प्रोडक्ट कि कैसे अच्छे से ये मेकअप रिमूव करता है या नहीं करता है। एंड बाय द वे अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड चेक दिस आउट। ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है किसी भी वीडियो को बनाने में। एंड चलिए अब इस वीडियो के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं अपनी बिंदी को रिमूव कर दूँगी एंड ब्लैक बिंदी काफ़ी अच्छी लग रही है, मैंने फर्स्ट टाइम लगाई। चलो सबसे पहले मैं ना अपने आईलैशेज एंड लेंसेज को रिमूव करने वाली हूँ। सो जैसे मैंने अपना ये मेकअप अपना जो मैंने रिमूव कर लिया है आईलैशेज एंड माई लेंसेज, तो अगर बात की जाए इस प्रोडक्ट के बारे में सो पहले मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में बता देती हूँ। वैसे तो एज यू कैन सी ऐसी कुछ पैकेजिंग में आपको मिल जाता है। एंड दिस नरिश रेडियंस लुक न्यू लैक्मे आर्गन ऑयल रेडियंस इज़ अ रेंज ऑफ लग्जूरियस फेस केयर प्रोडक्ट इन्फ्यूज विद लेजेंडरी मोरक्कन आर्गन ऑयल। दिस रिच नॉन ग्रीजी रेंज इज स्पेशली डिजाइन फॉर नरिश्ड एंड रेडियंट लुकिंग स्किन। आर्गन ऑयल रेडियंस रिंस ऑफ क्लेंजिंग ऑयल द मोरक्कन आर्गन ऑयल इन्फ्यूज रिंस ऑफ क्लेंजिंग मेल्ट्स इन टू योर स्किन एंड जेंटली लिफ्ट्स अवे लॉन्ग वेयर एंड वाटर प्रूफ मेकअप डर्ट एंड पोल्यूशन। दिस मल्टी एक्शन क्लेंजर वेन ब्लेंडेड विद द वाटर ऑन योर फेस ट्रांसफॉर्म इंटू अ क्लेंजिंग मिल्क एंड डीप क्लेंज द पोर्स लिविंग योर स्किन नरिश्ड। क्राफ्टेड बाई एक्सपर्ट्स दिस लाइट वेट क्लेंजिंग फॉर्मूला विल गिव यू नरिश्ड एंड रेडियंट स्किन, जो कि कंपनी क्लेम करती है, बोलती है इस प्रोडक्ट के बारे में। अब बात करें तो हाउ टू यूज़ योर क्लेंजिंग ऑयल, तो फर्स्ट हमें पंप करना है। टेक 3 to 4 पम्प्स ऑफ क्लेंजिंग ऑयल ऑन टू द पाम ऑफ ड्राई हैंड्स, जेंटली स्मूद ओवर ड्राई फेस। ओके, तो पहले ड्राई फेस के ऊपर अप्लाई करना है। देन थर्ड स्टेप जो है वेट फेस टू ट्रांसफॉर्म ऑयल टू क्लेंजिंग मिल्क देन रिंस ऑफ। ओके, सो प्रोडक्ट की क्वांटिटी की अगर मैं आपको बताऊँ तो 2 साल इसकी शेल्फ लाइफ है एंड क्वांटिटी आपको 60 ml मिल जाती है एंड विच इज़ काइंड ऑफ वेरी गुड अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, डिसेंट सी क्वांटिटी। पैकेजिंग ओके, लेट मी रिमूव माई बिंदी। आई एम गोना टेक ओके, तो अभी इसको ओपन करना है इधर से ट्विस्ट करके। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा है कि ये लॉक भी हो जाती है जिससे स्पिल नहीं करता प्रोडक्ट। तो इस तरह से आप ओपन कर लोगे एंड ऐसे आप इसको लॉक कर पाओगे। तो चलिए अब पहले मैं इसको ओपन कर लेती हूँ एंड आई एम गोना टेक फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेक 2 pumps, देन अगर मुझे नीड लगेगी तो मैं यूज़ कर लूँगी। एंड ओके, इट हैज़ वेरी सूदिंग फ्रेग्रेंस। ओ, 2 pumps were enough for me so far. Okay, let me remove my makeup. Gonna take some water. Wow. पहले थोड़ा सा oily लग रहा था, अब ये लग रहा है just like a cleansing milk. I know I am looking horrible right now. Yes. Removing my makeup, like melting down my makeup very easily and gently, because मैंने mascara जो लगाया है वो लगाया है मैंने waterproof mascara from NYX and oh my god, काफ़ी अच्छे से remove कर दिया है मेरा mascara without harming my eyelashes. अच्छे से मेल्ट हो चुका है तो अभी मैं क्या करूँगी, रिमूव करूँगी इसको। सो आई विल बी बैक।
ओके सो मैंने अभी एक ऐसे ये वाइप लिया है, ये कॉटन का वाइप, तो इसके साथ मैं अपने मेकअप को पहले पहले रिमूव करने वाली। ओह माय गॉड, यू कैन सी, आई थिंक दिस इज सो गुड। लाइक क्लेंजिंग ऑयल्स में क्या है, आपकी एक तो नरिश्ड रहेगी स्किन, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, एंड आपकी स्किन एक्स्ट्रा से ड्राई नहीं होगी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि पोर्स में से भी जब हम ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो ईजिली निकल जाता है। ओके सो आफ्टर रिमूविंग माई ऑल मेकअप एंड मस्कारा काजल लिपस्टिक ऑल प्रोडक्ट्स, ये भी फील नहीं हो रहा कि मैं किसी फेस वॉश के साथ लिटरली फेस को वॉश करूँ, बिकॉज क्या है, फॉर माई सेटिस्फेक्शन आई एम गोना गो एंड वॉश माई फेस विद माई फेवरेट फेस वॉश विच इज़ अगेन फ्रॉम लैक्मे, एंड आई विल बी राइट बैक। ओके सो मेकअप रिमूव करना एंड लाइक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बिल्कुल रिलैक्सिंग एंड मेडिटेशन काइंड ऑफ फील होता है, बिकॉज रिमूविंग मेकअप इज अनदर थिंग। ओके तो मुझे तो ये मेकअप रिमूवर बहुत अच्छा लगा, ऑयल जो मेकअप रिमूवर है, बिकॉज इसने विदाउट लाइक मेरी आईलैशेस को नुकसान पहुंचाए हुए, मेरी आईलैशेस टूटी नहीं है, मेरी आईलैशेस में से इतना ज़्यादा मुझे जोर नहीं लगाना पड़ा, बिकॉज आईलैशेस सबसे ज़्यादा डेलिकेट होती हैं, तो मेरा मेकअप जो है लिटरली यू कैन सी एक्चुअली अच्छे से मेरा मेकअप जो है वो रिमूव हो गया है, एंड जब मैं फेस वॉश कर रही थी तब भी मेरा जो फेस वॉश का कलर था वो चेंज नहीं हुआ। समटाइम्स जितना मर्जी मैं मेकअप रिमूव करूँ मेकअप रिमूवर के साथ, मेरा जो फेस वॉश का कलर है वो मेरा जो फाउंडेशन अभी भी रहता है बीच में, तो निकलना शुरू हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, तो लिटरली मेरे फेस वॉश का कलर भी चेंज नहीं हुआ, विच इज़ सो गुड, एंड आई एम नॉट फीलिंग ड्राई, तो मेरी स्किन ड्राई नहीं फील कर पा रही है, फील नहीं कर रही है, बिकॉज ये इसमें आर्गन ऑयल है। आर्गन ऑयल एक तो बहुत ही अच्छा इन्ग्रीडियंट होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला ऑयल है आर्गन ऑयल आपकी स्किन के लिए, तो मुझे बेसिकली ये वाला जो क्लेंजिंग मुझे अच्छा लगा और वर्थ द प्राइस लगा, बिकॉज 449 इज नॉट दैट मच एक्सपेंसिव अकॉर्डिंग टू द 60 ml प्रोडक्ट क्वांटिटी, एंड जितनी आपकी यूज होती है 2 pumps आर इनफ, मोर देन इनफ आई वुड से, पूरे फेस के लिए आपकी बहुत हैं, काफ़ी हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छे लगे, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी, रिकमेंड करूँगी, अगर आपको अच्छा वाला मेकअप रिमूवर चाहिए जिसके साथ आप अच्छे से अपना मेल्ट कर पाओ मेकअप, बिकॉज अभी बहुत महंगे महंगे भी मेकअप रिमूवर आते हैं, सस्ते वाले भी आते हैं, लेकिन हमारे स्किन को भी हमें नज़र में रखना चाहिए, स्किन के ऊपर भी फोकस करना चाहिए कि स्किन के लिए भी ऐसे प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हों, सूटेबल हों, तो लैक्मे बहुत अच्छा ब्रांड है और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड करता है। लैक्मे ऑयल इन्ग्रीडियंट्स दिस क्लेंजिंग ऑयल आई वुड से काफ़ी अच्छा लगा मुझे, एंड यू कैन सी मतलब मेरी स्किन एकदम से, मुझे लिटरली फील हो रहा है कि मेरी स्किन अच्छे से क्लीन हुई है, अंदर से क्लेंज हुई है, तो डेफिनेटली मैं आपको रेकमेंड करूँगी, सजेस्ट करूँगी, इफ़ यू वॉन्ट टू बाई दिस प्रोडक्ट इफ़ यू आर अ ब्राइड, एंड बिकॉज ब्राइड को बहुत ज़्यादा डार्क लिपशेड्स लगाने होते हैं, अभी तो न्यूड भी लगा सकते हैं, लेकिन आजकल हम बहुत ज़्यादा मैट लिपस्टिक्स लगाते हैं जो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, तो उनको रिमूव करना भी टास्क होता है, तो उसके लिए भी अगर अच्छा वाला एक मेकअप रिमूवर चाहिए देन यू कैन यूज़ दिस एंड कंसिडर बाइंग दिस प्रोडक्ट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, प्लीज़ एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कभी भी मेकअप रिमूव करने के बाद अपनी स्किन के रूटीन करना मत भूलना, जैसे कि अब मैं करने वाली हूँ। आप लोगों की कुछ क्वेश्चन क्वेरी हो वो भी आप नीचे कॉमेंट डाउन कर सकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।